तो आप में से जो लोग हमारे चैनल का रेगुलर व्यूअर्स या फिर सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों को तो पता ही होगा कि मैंने अपने चैनल में N60 Kraken X53 का फुल रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग वीडियो है वो मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी डाल रखा है, जहाँ पे मैंने N60 Kraken X53 का हर एक डिटेल हमने कवर किया है और जो बॉक्स कंटेंट है उसको भी हमने वो वाला वीडियो में कवर किया है। बट अगर आप किसी भी कारण से वो दोनों वीडियो को मिस कर दिया तो मेक श्योर कि आप ऊपर आई बटन से वो दोनों वीडियो को चेक कर लेना अगर आप N60 का Kraken X53 खरीदने का सोच रहे हो तो। बट आप में से जो लोग यहाँ पे N60 Kraken X53 को खरीदना चाहते हो और लेट्स से यहाँ पे N60 Kraken X53 आपका पहला लिक्विड कूलर है और आपको लिक्विड कूलर कैसे इंस्टॉल करते हैं उनके बारे में कुछ नहीं पता है और आपने बुक भी देख लिया, मैनुअल भी देख लिया, फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ये बेटर है कि यहाँ पे आप एक वीडियो देख लो कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि यहाँ पे आप जो है N60 Kraken X53 को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो या फिर उसका इंस्टॉलेशन प्रोसीजर क्या है। तो हे गाइस, माय नेम इज कुशाल एंड यू आर वाचिंग माय नेजेट टिप्स। और गाइस, आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि आप जो है N60 Kraken X53 को AMD सॉकेट्स के साथ कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, नो मैटर आपके पास एक Ryzen 5 है, Ryzen 3 है, Ryzen 7 है, Ryzen 9 है, वो सारे सीपीयूज के साथ आप जो है N60 Kraken X53 को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ दबाए घंटा वाला आइकन को ताकि आप हमारे फ्यूचर के कोई नए आने वाले वीडियोस को यहाँ पे मिस ना करें। और अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप जो N60 Kraken X53 को अपने AMD CPUs के साथ कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। सो लेट्स गो। N60 Kraken X53 मॉडर्न सभी CPU सॉकेट्स को सपोर्ट करता है, नो मैटर आपके पास कोई इंटेल का CPU है या फिर कोई AMD का CPU है, दिस थिंग विल वर्क विद बोथ द CPUs। Kraken X53 इंटेल का LGA 1200, 1151, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, 2066, ये सारे सॉकेट के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो। और बात करें AMD की, तो AMD का AM4 सॉकेट, TRX4 सॉकेट, TR4 सॉकेट, ये सभी सॉकेट्स टाइप के साथ आप इस कूलर को यूज़ कर सकते हो। अब Kraken X53 को माउंट करना जो है काफ़ी आसान है और मेरे पास AMD का Ryzen 5 3600 प्रोसेसर है, तो मैं इस वीडियो में आपको AMD इंस्टॉलेशन गाइड बताने वाला हूँ, ना कि Intel। और ये सिर्फ Ryzen 3600 के साथ ही नहीं, AMD का जितना सारे प्रोसेसर आता है AM4 सॉकेट्स का, वो सभी प्रोसेसर के लिए ये वाला जो इंस्टॉलेशन गाइड है वो यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो नो मैटर आपके पास एक Ryzen 7 है या फिर इवन Ryzen 9 है, द इंस्टॉलेशन प्रोसीजर विल बी द सेम। तो अभी चलो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि N60 Kraken X53 को आप जो है AMD सॉकेट के साथ कैसे यूज़ कर सकते हो या फिर कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग अपना जो पुराना लिक्विड कूलर है वो उसको हम लोग निकाल लेते हैं, और जिनको नहीं पता है, प्रीवियसली आई वाज यूजिंग द कूलर मास्टर ML120L, तो इट्स फाइनली टाइम टू से दिस कूलर गुड बाय। तो अपने पुराने कूलर या फिर जो भी कूलर आप यूज़ कर रहे थे पहले, उसको निकालने के बाद आप सबसे पहले अपना जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर को अपने सॉकेट से निकाल लो, निकाल के इसका सारे का सारा जो थर्मल पेस्ट है उसको अल्कोहल की क्लीनर से या फिर अल्कोहल वाले जो यहाँ पे कपड़ा होता है, क्लॉथ होता है जो कि आपका थर्मल पीस के साथ आता है, उससे आप जो है अपने प्रोसेसर को अच्छे से क्लीन कर लो ताकि कोई थर्मल पेस्ट वहाँ पे बचा ना हो। तो क्लीन करके वापस से हम लोग इसको वापस अपना जो सॉकेट है उसमें लगा देंगे कुछ इस तरीके से। नाउ आपको AMD का जो स्टॉक ब्रैकेट है उसको कुछ इस तरीके से खोलना पड़ेगा, बट ध्यान रहे बैक प्लेट जो है नहीं खोलना है, ठीक है, बैक प्लेट जैसा है वैसा हम लोग यहाँ पे रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग कूलर के साथ आया हुआ कुछ इस तरह का चार स्क्रूज ले लेंगे और ये चारों स्क्रूज को यहाँ पे बैक प्लेट का जो चारों साइड्स है वहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे माउंट कर देंगे। तो अब हमारा बैक प्लेट जो है कुछ अच्छी तरीके से यहाँ पे सिक्योर हो चुका है। अब हम लोग Kraken X53 का जो पंप है उसमें AMD वाला जो ब्रैकेट है उसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा देंगे, और इसके बाद हम लोग CPU के ऊपर थर्मल पेस्ट अप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ मैं कूलर मास्टर का थर्मल पेस्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो दूसरे ब्रांड का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब फाइनली हम लोग Kraken X53 का पंप को ये चारों स्क्रूज से अलाइन करके कुछ इस तरीके से अच्छे से लगा देंगे, और उसके बाद आपको Kraken X53 के साथ कुछ इस तरीके का चार बोल्ट मिल जाएगा, तो इनको हम लोग पंप के चारों को चारों स्क्रूज में लगा के पंप को जो अच्छे तरीके से सिक्योर कर देंगे। बट ध्यान रहे स्क्रूज को ज़्यादा टाइट भी ना करो और ज़्यादा यहाँ पे ढीला भी मत छोड़ो, एकदम आप जो इसको एवरेज से टाइट करो ताकि कुछ ज़्यादा यहाँ पे टाइट भी ना हो, ज़्यादा एकदम ढीला भी ना हो, इससे आपका जो हीट डिसिपेशन है आपका कूलर और प्रोसेसर में ये काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन रहेगा। तो पहला स्टेप इज डन, अब हम लोग हमारा जो रेडिएटर है उसमें हम लोग अपने फैंस को माउंट करेंगे। रेडिएटर में फैंस माउंट करने के लिए आपको कुछ इस तरीके का स्क्रूज चाहिए होगा जो कि आपका पैकेट में आता ही है, और हर एक स्क्रूज में आपको इस तरह का एक वॉशर डाल के उसके बाद इसको सिक्योर करना है। और ये पूरा जो फैन माउंटिंग प्रोसीजर है ना, ये दूसरे दूसरे कैबिनेट के लिए थोड़ा अलग हो सकता है,
तो मैं यहाँ पे NZXT का H510 यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें आपको जो है रिमूवेबल फैन ट्रे देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका लिक्विड कूलर या फिर कोई भी दूसरा फैंस लगाना जो है काफ़ी आसान हो जाता है इस केस के साथ। और एक्चुअली इस कैबिनेट के साथ अगर आप चाहते हो तो ये वाला जो रेजेजर है, इसमें आप जो चार फैंस को लगा सकते हो इंस्टेड ऑफ टू, आप जो है चार फैन लगा सकते हो फॉर बेटर एयर फ्लो। और यही चीज़ मुझे NZXT H510 सीरीज़ का काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। तो अब हम लोग फैंस को रेजेजर में लगाने के बाद अब हम लोग अपना जो रेजेजर है उसको फैन ट्रे में कुछ इस तरीके स्क्रूज से माउंट कर देंगे। एंड फाइनली फैन ट्रे को जो है वापस कैबिनेट में इंस्टॉल कर देंगे। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा सेकंड स्टेप। लास्ट स्टेप इज केबल मैनेजमेंट एंड इंस्टॉलेशन। तो क्रैकन X53 के साथ यहाँ आपको दो केबल्स दिए जाते हैं, एक तो आपका NZXT ह्यू वाला केबल और दूसरा वाला है यहाँ पे USB केबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले USB केबल को जो है अपना मदरबोर्ड का USB 2.0 हेडर में लगा देंगे कुछ इस तरीके से। और इसके बाद हम लोग U2 का जो सेटअप पोर्ट है उसको हम लोग अपना सेटअप पोर्ट में लगा देंगे, और जो हमारा बचा हुआ 3-pin PWM पोर्ट है उसको हम लोग अपना CPU फैन पोर्ट में लगा देंगे। और रही बात हमारा रेडिएटर फैन केबल्स का जो PWM पोर्ट्स है उनका, तो उसको हम लोग अपना मदरबोर्ड का कोई भी चीज़ फैन पोर्ट में लगा देंगे। एंड यू आर फाइनली डन विद द वायरिंग। और अभी आप अपना PC में NZXT का कैम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लो एंड यू आर रेडी टू रोल। बाय द वे NZXT कैम सॉफ्टवेयर के ऊपर एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है हमारे चैनल में, जिसमें मैं NZXT क्रैकन X50 का सारे के सारे RGB effects दिखाऊंगा और NZXT कैम सॉफ्टवेयर के सारे के सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा उस वीडियो में। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो अभी का अभी और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि हमारे कोई भी आने वाले वीडियोस को मिस ना करो। और एज यूजुअल अगर आपको ये वाला वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग इस तरह के कॉन्टेंट हमेशा लेके आते रहते हैं। एंड आई विल कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।